अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शेर। जैसा कि हमारे टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में सवाल चल रहे हैं, इस टाइप के हमने सवाल पहले भी कर चुके हैं। अभी इसको हम कह रहे हैं विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, इस टाइप का हमने किया था लार्जेस्ट नंबर, अब इसी को हम कह रहे हैं स्मॉलेस्ट नंबर। यानी वर्डिंग को चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। वैल्यूज़ भले कभी भी आपके पास आ जाए तो आप आसानी के साथ वैल्यूज़ बनाकर और सवालों को हल कर सकते हैं। अब इसमें मैं डी ई भी दे रहा हूँ, ई दे रहा हूँ 1/(-2)। ठीक है, अब ई भी दे रहा हूँ। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको बता दिया है कि इनके रूल्स को फॉलो करेंगे। रूल्स आप किस तरह से फॉलो करेंगे, माइनस का मतलब होता है पावर जब भी माइनस में आती है तो इसका क्या करना होता है, इन्वर्स करना होता है। अगर 2 हो पावर माइनस 2 हो तो इसका हो जाएगा 1/(2) होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1/(2)^4 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस टाइप का हो जाए, अगर यहाँ पर ये सवाल आ रहा है कि 1/(2)^-2 में आ रहा है तो क्या करेंगे, इसका इन्वर्स हो जाएगा। सिंपल में इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स करेंगे किस तरह से करेंगे कि अब ये हो जाएगा इन्वर्स, 1/(2) का इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पावर 2 सेम आ जाएगी, यानी स्क्वायर हो जाएगा 2^4, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब ये आप लोग फॉलो करेंगे रूल्स को और आगे सवालों को हल करते जाएंगे। ये सिंपल है, अभी मैंने इस टाइप का सेम समझाया हुआ है कि 1/(2) को कोई पावर -6 में है तो यानी इसका हो जाएगा आपको 2 इन्वर्स कर देंगे, और इसको पावर वही सेम प्लस में आ जाएगी 6 में, प्लस करेंगे इन्वर्स हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी। ठीक है, अब इसको फर्दर करने के लिए 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब ये सिंपल से आपको टेबल पढ़ने होंगे, 2^4, 4^8, 8^16, 16^32, 32^64 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल में। अब ये 1/(4)-3 में दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, अब इसका इन्वर्स करेंगे, यानी 1/(4) का इन्वर्स हो जाएगा 4, ये माइनस इन्वर्स करने से आपकी माइनस प्लस में तब्दील हो जाती है। ठीक है, यानी 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 × 4। ठीक है, अब आपको टेबल याद होंगे तो आसानी के साथ आप टेबल पढ़ सकते हैं, 4 × 4 = 16 और 16 × 4 = 64। ठीक है, 16 × 4 = 64। अब इसको क्या करना होगा, सिंपल है, 1/(3) का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, और पावर माइनस में तो प्लस में हो जाएगी, और सिंपल पावर 4 दे देंगे, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें आपस में, 3 × 3 × 3 × 3 1, 2, 3, 4 टाइम कर दिया। अब इनको वह टेबल पढ़ना होगा, टेबल कैसे पढ़ेंगे, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 आपको टेबल याद होना चाहिए, 27 × 3 = 81। अब क्या करेंगे, 3 × 7 = 21, 2 ऊपर और 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 7, 8, ये आपके पास 81 आ गया, तो इसका आपके पास सिंपल में आ जाएगा 81। ठीक है, ये 81 आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1/(6)-2 को क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स में 6 × स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 6 को से यानी स्क्वायर करेंगे, 6 × 6, 6 × 6 = 36, 36 ये आ जाएगा। अब हमारे पास ई ऑप्शन भी मौजूद है, ई भी मौजूद है, इसको क्या करेंगे, 1/(2)^-2 तो क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे, 2 × पावर कर देंगे स्क्वायर में, यानी 2 × 2। ठीक है, इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 2^4 आ जाएगा। अब ये कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर देखें, अब देखें आप स्मॉलेस्ट वैल्यू किसका आ रहा है, ये 64, ये भी 64, ये 81, ये 36 और ये 4। हमारे पास जो स्मॉलेस्ट अमाउंट आ गया 4 का आ गया, यानी इनमें से हमारा जो स्मॉलेस्ट अमाउंट होगा ई वाला होगा, 1/(2)^-1, ये हमारा स्मॉलेस्ट आ जाएगा। अब इसी में अब अगर आपको कहे कि हाईएस्ट नंबर वाला कौन सा आ जाएगा, यानी बड़े में बड़ा वाला, आपके पास 81 हो जाएगा। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट, ठीक है, और ये हमारे पास हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हाईएस्ट वाला सी ऑप्शन और स्मॉलेस्ट वाला 4 ऑप्शन। ठीक है, इस टाइप के आप लोग सवालों की प्रैक्टिस करते रहें, वैल्यूज चेंज करें, और आपके लिए आसानी हो जाएगी कि किस तरह से तैयारी की जाती है। और इन टाइप्स के काफ़ी एग्जाम के टेस्टों में आते रहते हैं सवाल, और ये वर्डिंग चेंज करते रहते हैं, 1/(2) दे देते हैं, पावर प्लस में आ जाते हैं, यहाँ पर मैंने माइनस में यूज़ किए हैं, प्लस में आ जाते हैं, तो उनमें से कौन सी वैल्यू आ जाती है। सपोज़ कर रहा हूँ मैं आपको ये एक सवाल दे रहा हूँ, आप लोग करके देखें, 2^2, ठीक है, ये हो गया ए, ये आपको दे रहा हूँ बी, 8, सी दे रहा हूँ 12 स्क्वायर। अब इसमें से आपको हाईएस्ट भी मालूम कर दें, ठीक है, हाईएस्ट भी मालूम करें और स्मॉलेस्ट भी मालूम करें। ठीक है, इन दोनों में हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये कमेंट में आप बताएंगे, और हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो करें। प्लेलिस्ट में हमने तरतीब वाइज सारे लेक्चर रखे हुए हैं, जो हमने पीएससी और जेएससी में तैयारी करवाई हुई थी, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, उनको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वो भी हमने क्लास 3 से लेकर क्लास मैट्रिक तक तकरीबन सारे लेक्चर करवाए हुए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, उनको ज़रूर फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।